सो इन दिस वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स टू इम्प्रूव योर विजन एंड रिमूव स्पेक्टेकल्स, जिन्हें फॉलो करके आप ओनली 7 डेज के अंदर अपने चश्मे को उतार सकते हो और अपनी आंखों को ठीक कर सकते हो। बिफोर दैट हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी आंखें खराब होती क्यों है। सो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट रिसेंट साइंटिफिक जर्नल में ये पता चला था कि इसके मोस्ट ऑफ द कॉमन 3 कारण है। फर्स्ट इज लैक ऑफ लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर आईज लेंस। हमारे आंखों के लेंस का जो लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी होती है वो जब हैम्पर हो जाती है। और सेकेंड कारण पता चला था कि हमारी आई की रेटिना के अंदर किसी प्रकार का डैमेज या फिर उसके वीकनेस के वजह से हमारी आंखें खराब होने लग जाती है। और थर्ड को मोस्ट कॉमन कारण पता चला था मेलेनिन डिपोजिशन इन आवर आईरिस। जब हमारी आंखों के अंदर मेलेनिन नाम का जो कलरिंग कंपाउंड होता है वो ज्यादा जमने लग जाता है, तब भी हमें ब्लर विजन और दूर और पास की चीज दिखने में दिक्कत होती है। सो अब हम सबको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मोस्ट कॉमन कारण्स है और इनको रिवर्स करने के साथ साथ ही हम लोग की आंखें भी ठीक हो जाएगी। और ये साइंटिफिकली प्रूव यानी कि विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एक्सरसाइजेस और सब सिंपल हर्ब्स हम लोग अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। हाँ, इस जगह पे एक बात आती है कि ये वाला वीडियो आई साइट इंप्रूव करने का 3rd वीडियो होने वाला है। इसके पहले के 2 वीडियोस में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वायरीज आई थी कि क्या हम लोग आंखों का ऑपरेशन करवा ले या फिर हम लोग आंखों का लेजर ऑपरेशन करा लेंगे अपनी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। तो देखो इसको ऐसा समझते हैं, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था साथ साथ कि हम लोगों ने आई ऑपरेशन करवाया था और वहीं 6 से 8 महीने के अंदर जिस आंख का ऑपरेशन हुआ था क्या तो वो उसी के अंदर वापस से डिफेक्ट पैदा हो गया या फिर हमारी जो नॉर्मल आंख थी उसके अंदर भी डिफेक्ट आ गया। बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा चालाक होता है और सर्वाइवल बेसिक्स पे काम करता है। जब उसको पता चलता है एक आंख के अंदर छेड़खानी हुई है यानी उसका ऑपरेशन हुआ है, तो जो नॉर्मल आंख है उसके ऊपर ज़्यादा लोड डालता है। तो ओवरलोड होने की वजह से जो हमारी नॉर्मल आंख थी उसमें भी डिफेक्ट पैदा हो जाता है, उसके अंदर भी नंबर बढ़ने लग जाते हैं और यही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं लेज़र ऑपरेशन की। देखो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ लेज़र का काम क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, लेज़र का काम होता है जलाना। डॉक्टर क्या करते हैं, लेजर ऑपरेशन की मदद से हमारी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसको बाहर से अंदर की तरफ माने इनर वर्ल्ड जलाना चालू करते हैं। जिससे क्या होता है, वो हमारी आंख का जो लाइट फोकस कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें आसपास और दूर की चीज दिखने लग जाती है। बट मुझे बताओ किसी चीज को जला के ठीक करना अच्छी बात है या फिर एक्सरसाइज करके थोड़ा टाइम बेसी लगेगा, 1 की जगह 2 महीने लग जाएगा, बट वो चीज नेचुरली ठीक होगी जो आपको जिंदगी भर काम देगी, या फिर किसी चीज को जला जला करके ऐसा कर लेने का कि 1 साल 2 साल के बाद आपको उस आंख से दिखना ही बंद हो जाए, क्या चीज बढ़िया है आप खुद सोचो। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूँ हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। विजन इंप्रूव करने की हमारी फर्स्ट टिप आ जाती है त्राटक। त्राटक इज एन एंशियंट योगिक प्रैक्टिस विच इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट हेल्प्स टू इंप्रूव द लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ आवर आईज एज वेल एज हीलिंग आवर रेटिना। और इतना ही नहीं, नाउडेज हमारे मिलिट्री ने भी त्राटक की पावर को पहचान लिया है और हमारी सेना में जिनकी आंखें कमजोर होती है उनको रेगुलरली सूर्य त्राटक कराया जाता है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ त्राटक आउट देयर। तो आप समझ ही सकते हो कि त्राटक में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। सो हम लोग इसको यूज करेंगे अपने फर्स्ट एंड सेकंड कॉज को क्योर करने के लिए, यानी हमारे लेंस की लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी एज वेल एज अपने रेटिना को हील करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग जान लेते हैं त्राटक करना कैसे है। सबसे पहली बात, त्राटक करने का एक फिक्स टाइम होता है कि आपको सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 9 बजे तक ही से करना है। दूसरी बात, त्राटक करते समय आपको अपने से 1 फीट की दूरी पे एक कैंडल जलानी है, मोमबत्ती जलानी है। 1 फीट से थोड़ा कम बेसी भी हो सकता है। हाँ, आपको ये याद रखना है कि कैंडल के पीछे कोई भी लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए, ना विंडो होनी चाहिए, ना ट्यूबलाइट, ना बल्ब होना चाहिए, वॉल इज परफेक्ट। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन प्रोजेक्ट, जो कि हमें अपनी आंखों से उस जलती हुई कैंडल की फ्लेम को देखना है और दिमाग में ऐसा सोचना है कि हम लोग सुपरमैन की तरह आंखों से लेजर मार रहे हैं उस कैंडल की फ्लेम के ऊपर, उसको बुताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आपको दिमाग से सोचना है, अपनी आंखों के ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना है। इससे होगा क्या, जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी आई की रेटिना हील होने लग जाएगी। हमें करना कितनी देर है, हमें एक बार के अंदर इसको 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूसली देखना है। इन केस बीच में आपकी आंखें थक जाती है, पानी आने लग जाता है, झपकने लग जाती है, कोई बात नहीं है, आंखों को आराम करने दो, उसके बाद वापस करना है। ऐसा आपको 2 बार करना है, एक बार में 30 सेकेंड, दूसरी बार में 30 सेकेंड, और दोनों के बीच में 10 सेकेंड्स का रेस्ट होगा। त्राटा आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही करना है, वो भी अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 से 9 के बीच में। विजन इंप्रूव करने की हमारी सेकेंड टिप आती है यूज ऑफ सौम्य आई ड्रॉप्स। नाउ सौम्य आई ड्रॉप यूज करने से हमारे आई साइट खराब होने के 2 जो मेजर कारण है वो है लाइट फिल्टरिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस और
रेटिना को कोई डैमेज, इन दोनों को ही हील करती है, हमारे लेंस को भी हील करती है, साथ ही साथ हमारे रेटिना को भी हील करती है। सो ये एक सौ में आई ड्रॉप एक तीर से दो निशाने लगाने वाला है। हियर ये आई ड्रॉप बहुत ज्यादा लाइट है, इसके अंदर जो हर्ब्स यूज हुए हैं बहुत ज्यादा हल्के हैं, मतलब ये आपके आंखों को कोई भी तरह का इरिटेशन नहीं देंगे। सो इसे छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम लोग जान लेते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। अब जान लेते हैं हमें सौम्य आई ड्रॉप यूज कैसे करना है। तो इसे यूज करना बहुत सिंपल है, आपको रात को सोने से पहले अपनी दोनों आंखों में एक एक ड्रॉप ऑफ सौम्य आई ड्रॉप डालना है, और सुबह उठने के बाद चेहरा धोने के बाद आपको इसके एक एक ड्रॉप आंखों में डालना है। इसे दिन में दो बार यूज करना है। इन केस आपको सौम्य आई ड्रॉप ट्राई करना है तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। विजन इंप्रूव करने की हमारी थर्ड टिप आ जाती है पेन पुशअप। ये वाली एक्सरसाइज स्पेसिफिकली बनी हुई है हमारी आंखों के रेटिना को ठीक करने के लिए। सो जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम थी आंख खराब होने की, वो है रेटिना में किसी तरह का कोई डैमेज या फिर कोई चोट लगना की वजह से कमजोरी आना, जिससे बेसिकली होता क्या है आपको दूर की और पास की चीजें धुंधली दिखने लग जाती है, ब्लर विजन हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप पूछोगे किसी को चश्मा लगाए कि भाई आपको क्या दिक्कत है, बोलेगा मेरे को दूर की चीज या फिर पास की चीज साफ नहीं दिखती, धुंधली दिखती है। तो इसका एक कारण होता है कि हमारे रेटिना में किसी तरह का डैमेज पड़ा है या फिर उसमें ओवरलोड पड़ा है, तो उस ओवरलोड को हटाना रहता है। तो अब जानते हैं कि हमें पेन पुशअप करना कैसे है अपनी आंखों के रेटिना को ठीक करने के लिए। हियर आपको वॉल की तरफ मुंह खड़े करके खड़े हो जाना है, और एक तो पेन लेना है, उसकी कैप खोल के उसकी जो पिन होती है, उसके जो डॉट होते हैं उसको देखना है, और अपने पेन को अपने आंख से पास में लेके आना है और उसे धीरे धीरे दूर लेके जाना है, फिर धीरे धीरे पास में लेके आना है। ऐसा आपको 25 टाइम्स करना है, फिर आपको 20 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है, और फिर आपको पेन की टिप को अपने से दूर ले जाके फिर उसे दाहिने और बाएं धीरे धीरे लेके जाना है, लेके आना है, और आपका पूरा फोकस इस दोनों टाइम में यही होगा कि आप अपनी दोनों आंखों से पेन की टिप पे फोकस रखोगे, पेन की टिप को फॉलो करना है, दाएं जा रहा है बाएं जा रहा है, और ऐसा आपको दोनों टाइम में 25 टाइम्स करना है। अब जान लो आपको पेन पुशअप कितना बार करना है, आपको इसको दिन में एटलीस्ट 2 टाइम्स करना है। एंड बिलीव मी ये बहुत जल्दी आपके आंखों की रेटिना को हील करने के लिए बना हुआ है, सो इसके रिजल्ट्स आपको 7 डेज के अंदर दिख जाएंगे विजुअली। विजन इंप्रूव करने की हमारी 4th टिप आ जाती है आई रोटेशन एक्सरसाइजेस। ये आई रोटेशन एक्सरसाइजेस हमारे विजन को खराब करने वाले जो सेकंड कॉज था, जो कि रेटिना में डैमेज था उसको, और साथ ही साथ हमारे आई के होल्ड करने वाले जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबल भी करती है, जिससे अगर आपको स्क्विंट आई है यानी आपकी आंखें टेढ़ी है या फिर भेंगापन भी जिसे बोलते हैं वो भी ठीक होता है। आई रोटेशन एक्सरसाइज परफॉर्म करने से होता क्या है, ये हमारे आई बोल को होल्ड करने वाले मसल्स के अंदर हेल्दी ब्लड फ्लो लेके आता है, जिससे हमारी रेटिना एज वेल एज वो आई होल्डिंग मसल्स दोनों हील होते हैं, तो हमारी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब जान लो आपको आई रोटेशन एक्सरसाइज करनी कैसे है। सो आपको पहले तो अपनी आंखें लेफ्ट लेके जानी है और राइट लेके जानी है, एकदम स्लोली स्लोली, और यही चीज करनी है आपको 25 टाइम्स। उसके बाद आपको 20 सेकंड्स का रेस्ट लेना है, और फिर अपनी आंखों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है, ये भी आपको 25 टाइम्स करना है, और उसके बाद भी आपको 20 सेकंड्स का रेस्ट देना है आंखों को। हियर अगर आप सोचोगे कि फटाफट करूंगा स्पीड में करूंगा तो ज्यादा फायदा होगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, ये आंखों का मामला है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, एकदम स्लोली स्लोली करने का। जान लो दिन में कितनी बार करना है, ये दिन में आप जितनी बार करोगे उतना बढ़िया रहेगा, मिनिमम 3 बार करना है। विजन इंप्रूव करने की हमारी फाइनल टिप आती है क्लोरोफिल। हम सब ने बचपन से सुना है कि हरी सब्जी और साग खाने से हमारी आंखें इंप्रूव होती है, बट क्या आपको पता है कि हमारी आंखें इंप्रूव होती क्यों है, ऐसा क्या होता है हरी सब्जी के अंदर जिससे हमारी आंखें ठीक हो जाती है। सो जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लीफी वेजिटेबल्स है उसके अंदर एक कलरिंग कंपाउंड होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, और साइंस ने प्रूव किया है कि क्लोरोफिल और मेलेनिन आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर आपके बॉडी में क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो मेलेनिन कम हो जाएगा नेचुरली। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड कॉज होता है आंख खराब होने का, वो है एक्सेस मेलेनिन डिपोजिशन इन आवर आयरिस। जब हमारी आंखों के अंदर एक्सेस मेलेनिन डिपॉजिट हो जाता है, जो कि कलरिंग कंपाउंड होता है, उससे हमारे आंखों के अंदर अच्छे से लाइट फिल्टर नहीं होती, लाइट एंटर नहीं कर पाती, जिससे हमें धुंधला दिखता है पास की और दूर की चीजें। सो इसे ठीक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप लोग क्लोरोफिल कंज्यूम करो। जब हम लोग क्लोरोफिल कंज्यूम करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, तो हमारी बॉडी नेचुरली उस एक्सेस मेलेनिन को कंज्यूम कर लेगी इस क्लोरोफिल को प्रोसेस करने के लिए। सो जैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आंखों के अंदर से मेलेनिन कम होगा, हमारी आंखें नेचुरली ठीक हो जाएगी। सो आपको करना क्या है, आपको अपनी डेली डाइट के अंदर रोज के खाने में हरी सब्जियां इंक्लूड करनी है, जैसे कि पालक, स्पिनच, कोरिएंडर, धनिया, इस टाइप की चीजें इंक्लूड करनी है, मेथी इंक्लूड करनी है। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे आपकी आंखों के अंदर से मेलेनिन के लेवल्स कम होंगे वैसे वैसे आपकी आंखों का कलर भी चेंज होगा। मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज से लगभग 5 to 6 मंथ्स पहले मेरी आंखों का कलर था डार्क ब्राउन, तो मैंने अपने आई कलर चेंज करने के चक्कर में
क्लोरोफिल और भी काफी सारी टिप्स को फॉलो किया। सो क्या हुआ, अब स्लोली स्लोली विद इन 2 मंथ्स मेरे आंखों का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया। फिर आज थर्ड मंथ के अंदर मेरी आंखों के कलर के अंदर ब्लूइश फ्लेक आ गए, और साथ ही साथ आज जो फिफ्थ या सिक्स मंथ चल रहा है इसके अंदर मेरी आंखों का कलर लाइट ब्लू है। और जो भी मुझे दिखता है, जो मुझे जानते थे, वो लोग बोलते हैं भाई तुमने अपने आंखों का कलर चेंज कैसे किया। तो अब आपको पता है कि आंखों का कलर चेंज कैसे होगा, साथ ही साथ आंखों की विजन इंप्रूव कैसे होगी। बट लेट मी शेयर विद यू वन थिंग, मैं ग्रीन वेजिटेबल्स उतनी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता, तो सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसके जगह क्लोरोफिल सप्लीमेंटेशन लिया। तो मैंने अपने डेली क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए मैंने निरामा का क्लोरोफिल पाउच मंगा लिए, जिसको क्या करता था कि उसके एक पाउच को रात को पानी के गिलास में डुबो करके उसकी ग्रीन कलर की चाय बनती थी वो पी लेता था, जिससे मेरा अगले दिन का जो क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट होता था पर डे का वो पूरा हो जाता था, और मेरे बॉडी के अंदर से स्लोली स्लोली मेलानिन लेवल्स कम होने लग गए थे। सो इन केस आपको निरामा के इस क्लोरोफिल पाउडर को यूज़ करना है, तो मैंने इसे खरीदने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, आपके स्क्रीन के ऊपर विजन इंप्रूव करने की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।